हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में ही एक बेल आइकॉन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, तो अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बने हुए हैं। तो सॉरी, सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाह रही हूँ कि 18th को मैं बोली थी कि मैं रिजल्ट क्लियर करूंगी और दो दिन लेट हो चुका है। कोई बात नहीं है, कुछ कारण बस मैं रिजल्ट शेयर नहीं कर पा रही थी। मीन्स फैमिली प्रॉब्लम था, थोड़ी परेशानी थी इसकी वजह से। कोई बात नहीं, आज मैं बता देती हूँ। और बहुत सारे लोग दुखी हो जाएंगे कि अरे मेरा नाम तो मैम ने नहीं लिया, मेरा नाम मैम ने नहीं लिया। कोई बात नहीं है, मैं सबका नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस महीने में जो सेलेक्ट हो गए हैं और अगले महीने में वो सेलेक्ट नहीं होंगे, या फिर जो इस महीने में सेलेक्ट हुए हैं वही सेम अगले महीने में सेलेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं गिववे जो है सो अब नेक्स्ट गिववे जो है कब मैं रखूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं खुद सोची हूँ कि आप सब मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट करते हो, इतना मेरी केयर करते हो, तो मैं हर मंथ में एक गिववे का नाम नहीं दूंगी। मैं गिववे नहीं होगा वो, मैं किसी भी एक का नाम जो है सो कि अनाउंस करूंगी, आपके सामने बोलूंगी पूरे महीने में एक बार, और वो मैं आपको बोलूंगी कि आप अपना एड्रेस जो है मुझे मेल कर दें उससे, और उनको मैं गिफ्ट भेज दूंगी। लेकिन वो गिववे नहीं होगा, मेरे तरफ से एक छोटा सा प्यार होगा। तो चलिए आप नाम मैं बताती हूँ कि किन कौन कौन ये मेरे सेकेंड गिववे के विनर हुए हैं। तो जो फर्स्ट नाम है वो है सुतापा सेन गुप्ता जी, ये आप कॉन्ग्रेचुलेशन सुतापा जी। और जो सेकेंड विनर है वो है बाबर जमील जी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बाबर जमील जी। और जो मेरी थर्ड विनर है वो है गुंजन तिवारी जी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गुंजन जी। और आप सब आप मुझे अपना अबाउट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पर आपको मेरा मिल जाएगा, मेरा ईमेल आईडी मिलेगा आपको। मेरे उस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर दें, अपना एड्रेस मेल करें, और सिर्फ एड्रेस नहीं मेल करें, एड्रेस के साथ साथ अपना पिन कोड और मोबाइल नंबर भी ज़रूर भेजें, क्योंकि अगर मैं मोबाइल नंबर अगर नहीं आपका रहेगा तो आप तक आपका प्रोडक्ट जो है नहीं पहुँच पाएगा। अब आप चार तीनों को मैं ये चार ऑप्शन देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है कि मेरे पसंद का कोई भी ₹1000 तक का, कोई भी 1000 तक के अमाउंट का कोई भी गिफ्ट मैं अपने पसंद का आपको दूं। सेकंड जो है वो है ड्रेस, रेडीमेड ड्रेस है जो आप सेकंड जो है वो है, हाँ कुर्ता, रेडीमेड कुर्ता जो सेट हो कुछ भी हो 1000 तक का वो भी रहेगा। थर्ड जो है वो है ज्वेलरी सेट, कोई भी ब्राइडल ज्वेलरी या कुछ भी, मीन्स 1000 तक का अमाउंट का आपको वो मैं गिफ्ट करूंगी। और फोर्थ जो था वो क्या था, कुछ कॉस्मेटिक या कुछ था, कॉस्मेटिक वगैरह कुछ ब्यूटी रिलेटेड कुछ था उसके अंदर, जो भी है, हाँ फेस पैक्स रहेंगे या फिर लिपस्टिक हो सकता है या आईलाइनर या काजल, वो 1000 रुपीज तक का वो। तो इन चारों में से आपको जो भी चाहिए वो आप मुझे मेल कर देंगे। और अगर आपको ड्रेस चाहिए तो अपना वेट, जो आपका जो साइज है वो आप अपना साइज जरूर मेंशन करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पैक की। तो और ओके हाँ एक बात, मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और मैं आप सबके कृपा से और आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं सिमसिम ऐप पे भी मेरे वीडियो हैं, तो आप चाहे तो मुझे सिमसिम ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे वीडियो को सेव कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो आज जो फेस पैक की मैं बात करूँ वो बहुत बेहतरीन है, और ऐसा नहीं है, ये फेस पैक भी मेरा बेस्ट एंटी एजिंग पैक है और आपके ओपन पोर्स की परेशानी को दूर करेगा, आपको जो फाइन लाइंस रिंकल्स की परेशानी है उसको दूर करेगा। बहुत मुझे मैसेज आते हैं कि मैम मुझे लाफ लाइन के पास जो है रिंकल्स आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे रिंकल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए कोई पैक बनाइए, तो वो उसके ऊपर ये वर्क करने वाला है। अगर आपके आई पफिनेस है आपको उसके ऊपर ये वर्क करने वाला है। लेकिन उसके बाद अगर आपके फेस का रंग अलग है और आपके गर्दन का रंग अलग है तो आपको लगेगा कि डिफरेंट कलर में है, तो उसके ऊपर भी ये काम करने वाला। अगर आपकी स्किन सैगी लटक गई है उम्र के पहले, अगर आप वो 40 के दिखते हो, 50 के हो, 50 के दिखते हो, 60 के, तो ये काम करेगा
आपकी उम्र आपकी चाहे जितनी भी हो, अगर उम्र से अगर हम 5 साल भी कम दिखते हैं, अगर आप 50 के हो, अगर कोई आपको कहता है आप 45 के हो क्या, तो हमारे लिए तो लगता है वो वरदान ही है, ठीक है ना। तो ये वही करेगा, ये पैक जो है सो आपकी उम्र कितनी भी हो, आप अपनी उम्र से 5 साल तो पक्का कम दिखने वाले हो। तो चलिए आगे लगाते हैं कि इस फेस पैक को लगाते कैसे हैं और इसको बनाते कैसे हैं वो देखते हैं, बहुत बेहतरीन है। और इसको लगाना कैसे है और कितने दिन आपको लगाना है इसकी बात कर लेते हैं। इसको आप वीक में 3 डेज लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लगाएं, 3 दिन ही काफ़ी है इसको लगाने के लिए। अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल, बेस्ट एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जो सिर्फ +30 है या +40 है वही लगाएंगे। अगर आपके बच्चे की उम्र 18 ईयर्स की है, यानी कि 18 साल के अगर आपके बच्चे की उम्र हो गई है, तो आप आराम से उसको लगा सकते हैं। या फिर आपके बच्चे की उम्र 15 साल की है तो भी आप लगा सकते हैं, उससे छोटे को लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत खूबसूरत होती है। तो चलिए फिर इसको लगाते हैं। और इसको स्टोर कितने दिन तक कर सकते हैं, इसको बना करके आप ऐसे स्टोर करके रख सकते हो फ्रीज के अंदर कम से कम 3 से 4 दिन तक, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, 3 से 4 दिन आप स्टोर कर सकते हो। मॉर्निंग फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है बनाना, वो पका हुआ सड़ा गला बनाना। आप सबको पता है कि केला जो है वो बेस्ट एंटी एजिंग माना गया है, और मैं ये फिर से एक बेस्ट एंटी एजिंग बना रही हूँ। मैं जो आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, ये जो आपके एजिंग के निशान को कम करेगा और उसके बाद जो आपकी रंगत को भी निखारेगा। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, मैं पहले ये बताना भूल गई थी कि अगर पिगमेंटेशन है आपके फेस पे, उसको भी ठीक करेगा, ओपन पोर्स की परेशानी को ठीक करेगा, मतलब बेस्ट एंटी एजिंग माना गया है केला। अगर आप सिर्फ केला को ऐसे भी, अगर पका केला को जो ऐसे भी अगर आप लगाते हो ना, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है बनाना। आज मैं बहुत सारा बनाना ली हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी फैमिली में सबको लगाने वाली हूँ ये पैक। तो क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बेस्ट एंटी एजिंग है तो कोई और नहीं लगा। अगर आपकी स्किन लटक गई है ना, केला क्या करता है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सैगी हो गई है, उसको भी ये ठीक करता है। तो मैं तकरीबन 1-2 स्पून के करीब में जो है सो मैं बनाना लूँगी, यानी पका गुला केला जो मैं मैश की हूँ वो ले रही हूँ। जो मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है अनार, जो है अनार का पाउडर यानी पोमेग्रेनेट का पाउडर। ये भी बेस्ट एंटी एजिंग माना गया है, ये हमारी स्किन जो लटक जाती है उसको ये ठीक करता है। और ये बेस्ट क्या बोलते हैं ना, बेस्ट एंटी रिंकल्स की परेशानी अगर है उसको वो ठीक करता है। ये जो थर्ड इंग्रेडिएंट है ये है मेथी और सौंफ। मेथी और सौंफ को मैं हल्का तवा के ऊपर में थोड़ा सा उसको भूनी हूँ, उसके बाद उसको मैं ग्राइंड कर ली हूँ। तो मैं 1/2 स्पून जो है मैं मेथी और सौंफ का पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच मैं ली थी आपको अनार का पाउडर। और जो ये फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है मसूर दाल का पाउडर, यानी कि रेड लेंटल जो होता है मसूर दाल, उसका मैं पाउडर ली हूँ। उन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। वैसे तो आपको ज़्यादा इसके बनाना में और कुछ भी और आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप बनाना ही डाल सकते हो या फिर रोज़ वाटर डाल सकते हो। तो मैं रोज़ वाटर के साथ अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। अगर आपके पास अनार का पाउडर नहीं है, यानी कि पोमेग्रेनेट का पाउडर अगर आप नहीं अवेलेबल है आपके पास, तो आप इसके अंदर अनार का जूस भी, फ्रेश अनार का जूस भी ऐड कर सकते हो। वैसे जो भी मैं यूज़ करूँगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको लिंक के थ्रू नहीं जाना है तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख लें। ये बन के रेडी हो चुका है। हाय, आज गोल्डी लगा रही है पैक को, और इससे आपको पता चलेगा कि इस उम्र के बच्चे को भी आप लगा सकते हो। पहले ये मैं रोज वाटर स्प्रे कर रही हूँ। बेस्ट एंटी एजिंग का मतलब नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ तो सिर्फ वो +40 और +50 या +30 ही लगा सकते हैं। उम्र अगर 18 साल है, 15 साल की अगर हो गई है, तो अगर ये आपको ओपन पोर्स की परेशानी है ना, तो ओपन पोर्स की परेशानी को भी ये दूर करेगा।
तो अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ और आप देखिए कि मेरे फेस पे कितना अच्छा रिजल्ट आया। स्किन तो टाइट हो ही गया है, मेरी स्किन जो है बहुत साफ लग रही है, बहुत फ्रेश लग रहा है। तो अगर आप किसी शादी ब्याह में जा रहे हो अगर, तो आप आराम से इसको जाने के, किसी भी पार्टी फंक्शन में जाने के पहले अगर आप इस पैक को आप लगा लेते हो, और अगर आप उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर और क्रीम लगाते हो, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करेगी, आपको वो कोई ब्लश और ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बेहतरीन पैक है ये, यानी कि ऑल इन वन पैक है ये। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में एक बेल आइकॉन होगा उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।